हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनेटिव लिमिटेड HAL के तरफ से एक रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है। मैं पूरा आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है, पूरा जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगेगा प्लीज़ एक लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ दोस्तों, आप अगर रियली तैयारी करना चाहते हो आप मुझे अनअकैडमी में ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारा MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टेक्निकल जॉब, नॉन टेक्निकल जॉब, रेलवे, HAL, BHAL, IOCL, ONGC सबके लिए यहाँ पे मैं MCQ क्वेश्चन प्रोवाइड करके रखा हूँ। उसके साथ कोई भी इशू हो रहा है डायरेक्टली मेरे साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उधर से फॉलो कीजिए, नहीं तो एप्लीकेशन में मुझे सर्च करके भी फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो हिंदुस्तान एरोनेटिव लिमिटेड लखनऊ डिवीजन से ये वैकेंसी निकल के आ रहा है। ये जो वैकेंसी निकल के आया है दोस्तों ITI कैंडिडेट के लिए। अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हो ITI पास आउट के बाद तो इसको अप्लाई कर सकते हो। HAL लखनऊ के तरफ से वैकेंसी निकल के आया है। और दोस्तों, अप्रेंटिस करने के बाद एक फ़ायदा क्या होगा कि आप कोई भी जगह में जा रहे हो तो आप लोग को पहले प्रेफरेंस मिलेगा, एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस अंडर द एक्ट अप्रेंटिस रूल्स। तो दोस्तों, उसके नीचे जो ट्रेड रखा गया है यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, बहुत सारा ट्रेड रखा गया है। ऐसे NCVT सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर ITI किए हो तो NC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है तो अप्लाई कर सकते हो। जो ट्रेड मांगा है, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन और इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मशीन, रेफ्रिजरेशन, ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल, सीटमेट वर्क, ये सारे काफ़ी सारा ट्रेड रखा गया है जो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर ITI पास आउट है 15 में, 2015, 2016 या 2017 या 2018 में अप्लाई कर सकते हो। तो और कुछ इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर ITI NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए और 10th के बाद वेल्डर और जो सीट मेटल वर्क वो 8th क्वालिफिकेशन वालों भी अप्लाई कर सकते हो। 8th क्वालिफिकेशन के बाद अगर ITI किए हो तो अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ और कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे मेथड ऑफ अप्लाई दिया गया है, ये लिंक दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करोगी तो आप अप्लाई कर सकते हो 10 दिसंबर 2018 टू 20 दिसंबर 2018 तक ये अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। उसके साथ साथ मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है। ये लिंक आपको खोलना है, खोलने के बाद अप्लाई फॉर ITI अप्रेंटिस इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक अंडरटेकिंग आएगा, इसको क्लिक कीजिए। उसके बाद ये सारे पढ़ लीजिए, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है इसको पढ़िए, उसके बाद अप्लाई फॉर ITI अप्रेंटिस को क्लिक कीजिए। तो उसके बाद ये सारे फॉर्मेलिटी क्लियर कीजिए। सबमिट एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे क्लिक कीजिए। सबमिट एनरोलमेंट नंबर मतलब आपकी जो अप्रेंटिस .gov.in है उसका एनरोलमेंट नंबर, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे सबमिट कर दीजिए, आप पूरा एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके में ज़रूर इसको अप्लाई कीजिए HAL के तरफ से जो अप्रेंटिस निकल के आया। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज़रूर जाइए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।